एक ही मरीज में कई अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव यानी कि पाचन संबंधित बीमारियां होना काफी आम बात है। हकीकत यह है कि दरअसल कई मरीजों की पाचन संबंधित समस्या GERD यानी कि एसिड रिफ्लक्स, DGBI और कॉन्स्टिपेशन जैसी अलग अलग पाचन संबंधित बीमारियों का मिश्रण होती है। DGBI यानी डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन इंटरेक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि आपके गले, अन्नली, जठर, छोटी और बड़ी आंत को प्रभावित करने वाली फंक्शनल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसी DGBI का एक प्रकार है। IBS ऐसा फंक्शनल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है जो कि आमतौर पर बड़ी आंत को और कुछ मात्रा में और कुछ मरीजों में छोटी आंत को प्रभावित करता है। कई अलग अलग पाचन संबंधित बीमारियां एक साथ होने की वजह से मरीज को कई अलग अलग प्रकार की समस्याएं गले से जुड़ी हुई, सीने से जुड़ी हुई, पाचन से जुड़ी हुई अलग अलग कॉम्बिनेशन में और अलग अलग तीव्रता के साथ होती है। कुछ मरीजों को तो पाचन संबंधित न लगने वाली समस्याएं जैसे कि सरदर्द, हाथ पांव में दर्द, हाथ पांव में जलन, थकान ऐसा भी महसूस होता है। अलग अलग पाचन संबंधित बीमारियां एक साथ होने की वजह से कई बार कई मरीजों में उनकी जांच, निदान और इलाज उलझ जाता है। अलग अलग पाचन संबंधित बीमारियां एक साथ होने की वजह से उनकी समस्याएं उनके खानपान, पोषण, नींद और कार्य क्षमता को काफी ज्यादा प्रभावित करती है और आखिरी में उनके जीवन स्तर को यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी नीचा कर देती है। दुखद रूप से कई मरीजों में इस प्रकार की बीमारियां लंबे समय के लिए, कुछ मरीजों में तो कई सालों के लिए तकलीफ देती है, जिसकी वजह से आखिरी में उनका मन का तनाव यानी कि मेंटल हेल्थ पर असर होता है। GERD यानी कि एसिड रिफ्लक्स और IBS एक साथ होना उस चीज का भी एक मुख्य कारण है कि क्यों कई मरीजों में काफी सारे जांच और इलाज के बावजूद उनकी पाचन संबंधित समस्याओं का हल नहीं आता है और लंबे समय के लिए इस परेशानी से पीड़ित रहते हैं। GERD यानी एसिड रिफ्लक्स का ऑपरेशन, जिसको लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन सर्जरी बोलते हैं, उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना और दवाइयों की जरूरत रहना, उसका भी एक मुख्य कारण यह है कि कई मरीजों में एसिड रिफ्लक्स के साथ साथ में IBS का प्रॉब्लम भी जुड़ा हुआ होता है। जाहिर है हम ये आशा नहीं रख सकते हैं कि GERD या एसिड रिफ्लक्स के ऑपरेशन से हमारा IBS का प्रॉब्लम पूरी तरह से सुधर जाएगा, यानी कि ऐसे सारे मरीज जिनको लंबे समय से पेट और पाचन संबंधित समस्याएं हैं, जिनकी समस्याएं जांच और इलाज के बावजूद नहीं सुधर रही हैं, ऐसे मरीज जिनको पेट की समस्याओं की वजह से उनके खानपान, पोषण, नींद, कार्यक्षमता और जीवन स्तर पे बड़ा असर हुआ है, ऐसे सारे मरीजों को अच्छे से निदान, सही जांच और सही बीमारियों की मूल्यांकन की जरूरत है। मरीजों को खुद ये समझने की भी जरूरत है कि उनकी कौन सी समस्याएं GERD या एसिड रिफ्लक्स की वजह से है और कौन सी समस्याएं IBS, DGBI या फंक्शनल प्रॉब्लम की वजह से है। आपके डॉक्टर आपको इस प्रक्रिया में मदद करेंगे और दवाइयां और ऑपरेशन के अलावा खानपान और लाइफस्टाइल के बदलाव के साथ साथ कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स, छोटी छोटी बदलाव समझाएंगे जिससे कि आप अपनी समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सके, सुलझा सके। सही जांच, निदान, समझ और इलाज के साथ ना केवल आपको आपकी सारी पाचन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपके खानपान, पोषण, नींद, कार्यक्षमता और जीवन स्तर क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार के साथ साथ ये भी मुमकिन है कि समय के साथ आपको दवाइयों की जरूरत से भी मुक्ति मिल जाए। जरूरत है अच्छे से निदान, इलाज और समझ की।